नीतीश कुमार के पास न इधर जाए न इधर जाए, किधर जाए उनको समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने किसी को भी बयान देने से मना किया था कि न राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई बोलेगा और न जदयू की तरफ से कोई, अधिकारी के लोग ही बोलेंगे, अधिकारी के लोग ही बोलेंगे। आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात को संयमित ढंग से रखते हुए एक ही बात रिपीट किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ जदयू को आगे बढ़ाने से मतलब है। आपने उमेश कुशवाहा को बयान देते देखा है, वो भी किनारा कर लिए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड में गुटबाजी की वजह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान है। इस गुटबाजी ने जनता दल यूनाइटेड को हिलाकर रख दिया है। लंबे समय बाद जदयू इस फेरे में फंस गई है। इसके पहले कई नेता जदयू से बाहर हुए लेकिन उन नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार को आंख दिखा सके, जदयू में कोई बड़ी टूट की संभावना को व्यक्त कर सके। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में भयंकर गुटबाजी है और इसी बीच नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। क्या खबर है बाबा से विशेष जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जदयू के अंदर ये जो भयंकर गुटबाजी चल रही है इसका परिणाम क्या होगा। बाबा आपको क्या लगता है जदयू के अंदर जो भयंकर गुटबाजी चल रही है इससे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पहला ऐसा अवसर आया है जिस अवसर को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भीतर ही भीतर काफी परेशान है। हालांकि उनकी परेशानी का कारण इससे पहले कुछ दूसरा रहा है, लेकिन इस बार उनके पार्टी के भीतर जिस तरह का गुटबाजी चल रहा है उसको लेकर के वो परेशान है और ऐसी स्थिति आदमी के लिए बड़ा ही घातक हो जाती है। अब परिवार में भी देखते हुए कि जब हिस्सा बखरा को लेकर के घर के गार्जियन के सामने प्रस्ताव रखे जाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, तो लास्ट में वो सब कुछ छोड़ देता है कि मेरे जीते जी कोई बंटवारा नहीं होगा, जिसको जो करना है कर ले, जिसको जहां जो हिस्सा लेना है लेकर चल जाए। बिल्कुल ऐसी स्थिति में भी एक अलग तरह का माहौल बन जाता है और परिवार बिखरने लगता है। इस स्थिति में कहीं ना कहीं आकर के खड़ा हो गया है जनता दल यूनाइटेड और इसका फायदा कहीं ना कहीं उनके विरोधियों को मिल रहा है, यहां तक कि महागठबंधन में जो साथी हैं उनको भी मिल रहा है। और ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें नीतीश कुमार के पास न इधर जाए न इधर जाए, किधर जाए उनको समझ में नहीं आ रहा। इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने किसी को भी बयान देने से मना किया था, जो कि महागठबंधन का सबसे पहला एजेंडा था कि न राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई बोलेगा और न जदयू की तरफ से कोई, अधिकारी के लोग ही बोलेंगे, अधिकारी के लोग ही बोलेंगे। दोनों बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जीतन नामाजी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाम दलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दोनों पार्टी के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में होता। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें आप देखिए कि हर दो घंटे चार घंटे पर बयान बदल रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात को संयमित ढंग से रखते हुए एक ही बात रिपीट किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ जदयू को आगे बढ़ाने से मतलब है, जो लेगेसी हम लोगों ने शुरू किया था उसको स्थापित रखना होगा, हम किसी दूसरे दल के नेता को क्यों नेता माने जी। इसके लिए ऐसा उन्होंने नॉक किया दरवाजे पर कि सभी अपने अपने अधिकार मांगने लगे। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश के मना करने के बाद, आपने नीतीश कुमार को फिर से बयान देखा है पिछले दो दिन से लगातार वो उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहे हैं जबकि मीडिया उनके सामने आ रही है। आपने उमेश कुशवाहा को बयान देते देखा है, वो भी किनारा कर लिए। ललन सिंह को आपने इस मुद्दे पर बोलते देखा है नहीं। लेकिन बेचैनी कहां बढ़ गई है तो जिन लोगों को लग रहा है कि अब अगर नीतीश कुमार कोई एक्शन लेते हैं या कहीं दूसरे जगह दाएं बाएं करते हैं तो उनके जो स्थिति है, उनका सीट जो है आने वाले चुनाव में 2024 और 25 में उनके सीट पर असर पड़ेगा और उन्हें सीट से बेदखल होना पड़ सकता है। इसको लेकर के आपने देखा कि संतोष कुशवाहा है सांसद, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि अगर झुंझुना आपको मिला था तो कहा के लिए झुंझुना लेकर घूम रहे थे। सबसे बड़ी बात कि कार्यकट में जो उनको हराए हैं और उनको पहले उपेंद्र कुशवाहा हरा चुके हैं, महाबली सिंह जिनको लेकर के आपने देखा होगा कि जदयू के तरफ से भले ही कोई बयान नहीं आया हो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा गुट से एक से नई कहानी कही गई थी, सुभाष कुशवाहा ने जो कहा था आपने सुना ही होगा। इसके अलावा आपको बता रहे हैं उन्होंने कहा है शेर और सियार से तुलना की है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि भाषा की मर्यादा कहां जा रही है। उन्होंने कहा कि सियार अगर शेर का खाल ओढ़ ले, आप समझ सकते हैं महाबली सिंह को भी लग रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि महाबली सिंह के कुर्सी पर दो लोगों की दावेदारी है। पहला तो ये कि एक नया समाज तैयार हुआ है, राजपूत समाज, जो कह रहा है कि मेरी दावेदारी है, और दूसरा आपको पता है कि कुशवाहा समाज पहले से भी वहां दावेदारी अपनी दिखा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में कहा जा रहा है कि वहां से भी चुनाव लड़ेंगे और वैशाली से भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये बातें चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपने जयंत राज को भी देखा, ये सारे नेता हैं जो कुशवाहा समाज के ऊपर आना चाहते हैं और नीचे दबा करके ही किसी को ऊपर आया जा सकता है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन
इन सब बातों में नीतीश कुमार सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति में है, और कहा यह जा रहा है कि इतना ज्यादा प्रेशर झेलने वालों में से नीतीश कुमार नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, और नहीं तो नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार ने पहले भी कह दिया है कि ये उनकी अंतिम यात्रा है जो वो सत्ता को लेकर के या चुनाव को लेकर के लड़ रहे हैं। आने वाले 2024 में ही उन्होंने कह दिया था कि अगला चुनाव में हम आपके पास नहीं आएंगे वोट मांगने। लेकिन इन सारी बातों में सारे कवायद जो चल रहे हैं उसमें एक नया ट्विस्ट है जो इसके बाद आप खबर करेंगे, उस खबर में हम आपको इनपुट दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है वो हम आपको इस खबर के बाद बताएंगे। देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब प्रेशर में आता है तब तक कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, और 14 का ही प्रेशर था प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के बीच नीतीश कुमार की बन नहीं रही थी, जीतन अमानी को सत्ता सौंपी गई थी, वैसा ही कोई डमी मुख्यमंत्री हो सकता है या आधिकारिक रूप से तेजस्वी को भी 6 महीने साल भर के लिए इस पद पर बिठाया जा सकता है, जिसकी चर्चा है कि होली के बाद नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी सौंप देंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।